साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई इंडिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, क्योंकि इंडिया के लोगों के लिए भी जानकारी ये जरूरी है, विदेश में बैठे हूँ आपके लिए भी जरूरी है। भाई आप इंडिया आ रहे हो, आपको पता है आज 31 मई है और कल 1 जून है। जी हाँ साथियों, तो गवर्नमेंट ने कुछ फैसले लिए हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, और लॉकडाउन को साथियों बता दूं मैं 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, 1 जून से लेके 30 जून तक कर दिया गया है। लेकिन वो वाला नहीं बढ़ाया जो आप सोच रहे हैं, एकदम स्मूथली तरीके से बढ़ाया है, नॉर्मली तरीके से। लगभग 90% लॉकडाउन ओपन हो चुका है। कुछ गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी है जो आपको नॉलेज होना जरूरी है। कोरोना के अपडेट बता दूं साथियों, कोरोना के पांव पसार रहा है इंडिया में। 182,000 के करीब अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं, उनमें से 5200 के करीब अभी तक डेथ हो चुकी हैं और 85,000 से ऊपर अभी तक रिकवर हो चुके हैं। तो भाई कोरोना की पीक पे रहेगा जून। जी हाँ साथियों, ये आप गांठ बांध के रखें कि मई गया और जून पे यूं और बढ़ेगा, ये भयंकर तरीके से बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते इसके नॉर्मल तरीके से होगा। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है, सिर्फ प्लेन को छोड़ के। प्लेन में नहीं रख पाओगे, बाकी भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया में रखोगे तो जीवित आप हो, आपके कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, एक दिन में 8,000 संक्रमित होना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो चलिए, गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट दिए हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप देख लीजिए साथ में और सुन भी लीजिए। और हाँ भाई, फ्लाइट से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट कुछ निकल के आ रहे हैं, फ्लाइट से रिलेटेड भी हम आगे बात करेंगे। वाली तरीके से साथियों 30 जून तक बढ़ा दिया गया। अन्य क्षेत्रों में धार्मिक स्थल, होटल, शॉपिंग 8 जून से खुल जाएंगे। जी हाँ साथियों, नॉर्मली में जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, शॉपिंग मॉल वगैरह 8 जून से खुलेंगे। जी हाँ साथियों, आगे हम बात करें साथियों, गृह मंत्रालय ने शनिवार को आदेश ये जारी कर दिया था, 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कुछ गतिविधियों में अनुमति दी गई है, जिनमें बता दूं आपको, और बाकी जो बड़ी हैं जिनको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। धार्मिक स्थान, पूजा स्थल, होटल, रेस्तरा, अन्य अतिथि सेवाएं, शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ये केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श किया जाएगा। और ये साथियों नेक्स्ट मंथ में खुलेगा, जुलाई के अंदर, मैं बता रहा हूँ जून में ये काम नहीं होने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई कि यात्रियों की के बारे में गवर्नमेंट ने क्या बोला है। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, ये सब चीज़ें अभी तक कंट्रोल में हैं, इनको ओपन नहीं किया गया है। जी हाँ साथियों, रात का कर्फ्यू बता दूं साथियों, अभी रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों का आना जाना निषिद्ध रहेगा। यानी रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक इंडिया में पूरी तरीके से बैन रहेगा। 65 वर्ष से अधिक की आयु व्यक्ति और 10 साल के छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, उनको बिल्कुल मना किया गया है। गवर्नमेंट ने साथियों बोला है, श्रमिक ट्रेनें, घरेलू यात्राएं, ये बता दूं इनको बताया गया है कि भाई इनको साइन अप और इन अप होता रहेगा, यानी इसमें फेर बदलाव हम करते रहेंगे, बाकायदा गवर्नमेंट ने बोला है इस मामले में। तो भाई टेंशन न ले, 8 जून तक सूचना ये आ रही है कि कुछ न कुछ हवाई यात्राओं में भी गवर्नमेंट फेरबदल करने वाली है, और ये कुछ प्राइवेट सेक्टरों को भी देगी, और कुछ इसमें मतलब छूट मिलेगा, आप अपनी टिकट बुक करके आ सकते हो, ऐसे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो 8 जून अभी हो तो जाना चाहिए था सोचने में यही, लेकिन 8 जून तक ये थोड़ा सा माहौल और गवर्नमेंट देख रही है, उसके बाद में फ्लाइटें सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पता है साथियों, शादी ब्याह में आपको पता है 50 आदमी बारात में जा सकते हैं, कोई अगर किसी की मौत हो जाती है तो 20 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये तो सब नॉर्मल सी बातें जो पहले वाले की तरह यथावत है। एक दूसरे से राज्य में जाने के लिए अभी वाहन को पास लेने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान में इधर उधर घूमने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, आप आराम से आ जा सकते हैं। बस यही, अब लॉकडाउन 5.0 इसका नाम दिया गया है, इसको ओपन एक तरीके से कर दिया गया, इतना नॉर्मली तरीके से तो भाई रहेगा क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। बस आज की अपडेट यही थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि रोज विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।